एंड फाइनली आज निफ्टी 300 पॉइंट से ऊपर गया, यानी लगभग 2% ऊपर, और वहीं सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ऊपर गया। अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से निफ्टी लगातार डिक्लाइन ही होता जा रहा है, और जब भी मार्केट में लगातार डिक्लाइन होता जाता है तो वो मेजरली अनसर्टेंटी की वजह से होती है। अब इस समय कोरोना वायरस की वजह से अनसर्टेंटी तो है, और गवर्नमेंट के क्या मेजर्स है, क्या फिर से लॉकडाउन हो सकता है, तो इन सब अनसर्टेंटीज की वजह से और इसके साथ साथ इस समय कई सारे फेयर मीटिंग में ऐसा कहा गया है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से जो FFI है वो लगातार मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग कर रही है। तो मार्केट में FFI की लगातार सेलिंग की वजह से मार्केट हर रोज डिक्लाइन होता जा रहा है। ऐसे अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बाइंग तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी FFI ज़्यादा सेलिंग कर रही है। सो इन सब चीज़ों की वजह से भी मार्केट आज अच्छा खासा बुल रन था, मगर इस करेक्शन को देखने के दो आइज है। पहला, अगर आप एक ट्रेडर हो तो प्रोबेबिलिटी ये मार्केट करेक्शन आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस समय आपके पोर्टफोलियो में कई सारे रेट दिखेगी, ब्लड बात दिखेगी। मगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको पता होगा कि ये छोटे छोटे फॉल्स आते हैं, एंड यही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होता है एक अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए और एक अच्छा प्राइस पे बाय करने के लिए। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे, एंड हाँ, आज कुछ ऐसे फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे जो शायद लॉन्ग टर्म में एक मैसिव ट्रेंड दे सकती है, एंड शायद आप लोगों को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना चाहिए क्योंकि अभी ये मौका आ गया है। तो देखते हैं वो कौन से शेयर्स है, एंड हाँ, कुछ लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, आधे देखकर चले जाते हैं, सो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखें एंड यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग न्यू। सो स्टार्ट करते हैं। इन तीन स्टॉक्स के नाम बताने से पहले कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप इस वीडियो को जल्दबाजी में स्किप करके आधे देखने वाले हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को ना देखें, क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन की वजह से आपको गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाए। सो या तो आप वीडियो को पूरा देखें या फिर आप देखें ही नहीं। सो जो हमारा थर्ड नंबर वाला स्टॉक्स है वो एक फर्टिलाइजर सेक्टर से बिलोंग करता है और एक स्मॉल कैप कंपनी है, और मैं आपको झूठे ख्वाब नहीं दिखाऊंगा दूसरे लोगों की तरह, लेकिन स्मॉल कैप में 1000% अपसाइड जाने का ताकत रखता है तो -1000% डाउनसाइड भी जाने का ताकत रखता है। लेकिन डोंट वरी, ऐसा उन स्टॉक्स के साथ होता है जो फंडामेंटली बहुत ही वीक है, और इस स्टॉक्स में मेरा इन्वेस्ट करने का बहुत सारा रीज़न है। सो जो पहला रीज़न है वो है इसका बिजनेस मॉडल। मुझे इसकी मैनेजमेंट, फंडामेंटल, सेक्टर, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और कंपनी का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी, इसका बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है, और अभी वो आपको दिखाऊंगा और रीज़न भी बताऊंगा कि वाई शुड यू इन्वेस्ट इन दिस थ्री स्टॉक्स। और ऐसे स्टॉक्स में मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करता जिसका बिजनेस मॉडल मुझे समझ नहीं आए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वॉरेन बफेट की एक फेमस लाइन है, नेवर इन्वेस्ट इन ए बिजनेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। सो जो इस स्टॉक्स का नाम है वो है पनामा पेट्रोकेम लिमिटेड। तो सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल, ये कंपनी स्पेशलिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है जिसका यूज़ प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, रबर, फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक पावर और इंडस्ट्री ऑयल में होता है। इनकी चार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी है, और ये कंपनी पेट्रोलियम जेली, लिक्विड पैराफिन, ट्रांसफार्मर ऑयल, रबर प्रोसेस ऑयल जैसे प्रोडक्ट यूके, यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, ब्राजील, बहुत सारे कंट्री में एक्सपोर्ट करती है। अब इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। तो अभी इसका प्राइस है 255 रुपये और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1542 करोड़। वैसे इसका रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जो कि है 27.2% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 34% का है जो कि बहुत अच्छा है। ये कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट नहीं है, सिर्फ 49 करोड़ का डेट है, तो डेट फ्री ही बोलेंगे क्योंकि इसका एनुअल प्रॉफिट डेट से ज़्यादा है, और इसका एनुअल प्रॉफिट है 61 करोड़ का, और स्पेशली इस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है 30 करोड़ का। अब इसकी अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 38 रुपीज़ का है, मतलब इसके प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है। अब इस कंपनी का मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो इस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग है 72% जो कि बहुत अच्छा है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि प्रोमोटर होल्डिंग से ही पता लगाया जाता है कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है। अब इस कंपनी का प्रोज एंड कॉन्स आप लोग खुद देख लेना, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। सो डायरेक्ट चलते हैं इसके वैल्यूएशन के ऊपर। अभी इसका इंट्रेंसिक वैल्यू ग्रीन में है, यानी इसका करंट प्राइस इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू से कम है, तो स्टॉक्स अभी अंडरवैल्यूड है। इसका रिटर्न भी ग्रीन में है जो कि बहुत अच्छा है, और ये एक स्मॉल कैप कंपनी होकर भी डिविडेंड अच्छा दे रही है, और एंट्री पॉइंट भी ग्रीन में है यानी ओवरबॉट नहीं है, और ये स्टॉक्स अभी ASM लिस्ट में भी नहीं है। इसका PE रेशियो 11.39 का है और सेक्टर PE 24.77 का है, तो एक्सपेंशन के चांस काफ़ी ज़्यादा है। और अगर इसका पीयर यानी सेम सेक्टर से कंपेयर करें तो बाकी के सेक्टर से इसका PE बहुत अच्छा है, यानी ये स्टॉक्स अभी अंडरवैल्यूड मिल रहा है बाकी के सेक्टर से। बात करते हैं इसका फाइनेंशियल ट्रेंड का, तो आप देख सकते हो कंपनी को कंसिस्टेंट प्रॉफिट ही हो रहा है हर साल। 2018 में इसका प्रॉफिट था 60 करोड़, और अभी 2021 में इसका प्रॉफिट हो गया 140 करोड़, यानी सीधा 4 गुना बढ़ चुका है। तो अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो बहुत चांसेस होता है कि फ्यूचर में उसका प्राइस भी बढ़ेगा, और ऑलरेडी
ऑलरेडी इसने वन ईयर में 159% का रिटर्न दे दिया है। अब जो हमारा सेकंड नंबर वाला स्टॉक्स है उसका नाम है अमाइन एंड प्लास्टिसाइजर्स लिमिटेड। ये कंपनी ऑर्गेनिक केमिकल्स, अमाइन सॉल्वेंट्स और फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर करती है। इसका आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो 26.2% का है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28.2% का है। इसकी करंट प्राइस 123 रुपीज़ है अभी और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 682 करोड़ का है। इसका डेट थोड़ा ज़्यादा है 64.1 करोड़ का है, लेकिन इसका एनुअल प्रॉफिट 6.99 करोड़ का है और इसके पास फ्री कैश फ्लो भी है जो कि 32.7 करोड़ का है। इस कंपनी को डेट फ्री तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ इसका इतना ज़्यादा डेट भी नहीं है और इसका एक साल का रिटर्न 100% है, यानी हर साल पैसों को डबल कर रहा है। इसका प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो एक अच्छी बात है वो ये कि कंपनी का 3 इयर्स का रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये आरओई क्या होता है वो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ और बाकी सब आप खुद चेक कर लेना बिकॉज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के ऊपर, तो अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस इसके इंटरेस्टिंग वैल्यू से कम है तो ये स्टॉक्स अभी अंडर वैल्यूड है। इसका रिटर्न एफडी से अच्छा है पर ये कंपनी उतना अच्छा डिविडेंड नहीं देती है। एंट्री पॉइंट भी ग्रीन में है और कोई डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी नहीं है, यानी एसएम लिस्ट में नहीं है। इसका पीई रेशियो अभी 20 का है और सेक्टर पीई 24 का है, यानी एक्सपेंशन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और अगर इसको कंपेयर करें इसके दूसरे कॉम्पिटिटर से तो इसका पीई रेशियो सबसे कम है जो कि बहुत अच्छा है। अब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं तो 2018 में इसका प्रॉफिट था 14.7 करोड़ और 2021 में डायरेक्ट 32.61 करोड़ हो गया। इस कंपनी को लगातार हर साल प्रॉफिट होता जा रहा है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है, इसकी बिजनेस बहुत अच्छी है, इसकी फंडामेंटल भी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और हो सके तो आप भी अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा ऐड कर लो क्योंकि ये अच्छे क्वार्टर रिजल्ट दे सकती है। अब सीधा उस स्टॉक्स की बात करते हैं जो शायद फ्यूचर में मल्टी बैगर साबित होने वाला है। ये एक केमिकल कंपनी है जो यूरिया, फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चर इनपुट मैन्युफैक्चर करती है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 16,655 करोड़ का है। इस कंपनी की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, यानी प्रोमोटर होल्डिंग 60.4% का है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है, 30.6% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20.2% का है। इसका डेट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3,607 करोड़ का डेट है और ये एक डेट फ्री कंपनी भी है। इस कंपनी के पास 6,708 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है तो बहुत चांसेस है ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में ये पैसा लगाएगी। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इसके प्राइस के हिसाब से इसका अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा है जो कि है 43.4 रुपये का। मतलब ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट भी कर रही है, इसका प्राइस भी हर साल 70% से बढ़ रहा है और इस कंपनी का नाम है चंबल फर्टिलाइजर। बाकी के फंडामेंटल आप खुद देख लेना क्योंकि अगर इसे बताया तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बात करें इसकी प्रोस की तो कंपनी का 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है और बाकी के प्रोज एंड कॉन्स आप खुद ही देख। अगर मैं इस कंपनी की वैल्यूएशन की बात करूं तो अभी इस स्टॉक्स का करंट प्राइस इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। इसका रिटर्न भी एफडी से ज़्यादा है, डिविडेंड भी अच्छा देती है, एंट्री पॉइंट भी ग्रीन में है और एडिशनल सर्विलेंस मेजर में भी नहीं है। इसका पीई रेशियो बाकी के सेक्टर से कम है, यानी अभी स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है। इसका फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो 2018 में इसका प्रॉफिट था 500 करोड़ और 2021 में सीधा 1615 करोड़ हो गया, यानी इसका प्रॉफिट हर साल डबल हो रहा है। और अगर आपको ये जानना है कि मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढते कैसे हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो और अगर अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढना है तो फिर राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए गुड डे।